हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम जावा में फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। लूप के बारे में आगे भी जानेंगे लेकिन पहली वीडियो ये जो है फॉर लूप के ऊपर है, तो इसको हम पहले देखते हैं कि फॉर लूप हम कैसे यूज कर पाएंगे। आपको पता है कि लूप का प्रयोग हम क्यों करते हैं? लूप का प्रयोग इसलिए करते हैं हम क्योंकि हम एक स्टेटमेंट को बार बार लिखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ लूप लगा दें और वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहे, यानी कि स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लूजे को मैं ओपन कर लेता हूं। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाना है आपको, प्रोजेक्ट पर क्लास, ये प्रोजेक्ट का नाम उसी नाम से आपको देना है जिस नाम से आप क्लास बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ प्रोजेक्ट पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए और क्लास का भी नाम इसी नाम से रहेगा, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी नाम से आपका क्लास भी रहेगा। तो मैं यहां कर देता हूं फॉर लूप डॉट जावा, डॉट जावा लगाना जरूरी, एंटरप्रेस करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पे न्यू क्लास पे आ जाइए और यहां पर अब आप लिख दीजिए फॉर लूप, ठीक है? बस ये हो गया हमारा काम। अब यहां पर आपको राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके थोड़ा एडिटर को ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है? और हम कोडिंग करेंगे, ठीक है? मैं यहां क्लास बना लेता हूं। मैंने बताया था कि क्लास आपको बनानी है फॉर लूप के नाम से, चूंकि इसी नाम से हमने प्रोजेक्ट का भी नाम रखा हुआ है, ठीक है? अब ये हमने क्लास बना ली। अब हमें क्लास बनाने के बाद क्या करना है, नीचे आना है और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लेना है। अब कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग एआरजीएस, यानी आर्गुमेंट पास करेंगे हम। तो यहां स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है, यानी आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। अब फिर नीचे आइए और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अब इसी चीज को प्रिंट करवाना है, ठीक है? कैसे प्रिंट करवाएंगे इसको, आइए देखते हैं। तो अभी हमको यहां पर लिखना है फॉर, चूंकि फॉर लूप लगा रहे हैं तो यहां फॉर लिखना है। और देखिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप मैं ले रहा हूं और इसका डिक्लेरेशन मैं लूप के अंदर ही कर दे रहा हूं, ठीक है? आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं वैल्यू को, आई इज लेस देन कर रहा हूं, ठीक है? आप चाहे तो लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं लेस देन सेवन कर देता हूं, ठीक है? टर्मिनेट करूंगा, आई प्लस प्लस करूंगा, ठीक है? यहां कर्ली ब्रैकेट बना लगा लेता हूं, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लेता हूं। यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट, देखिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा, तो बड़े लेटर छोटे लेटर का बहुत ध्यान देना होगा आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देंगे और यहां पर चूंकि हमने वेरिएबल आई नाम से बनाया है तो यहां आई लिख देता हूं मैं, और यहां पे डबल इंटेड कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो ये आई आई ही रिपीट करता जाएगा, इसीलिए यहां डबल इंटेड कॉमा ना लगाएं, ठीक है? इतना कर लेने के बाद क्या करना है आपको, एंटर करके नीचे आना है और यहां पर अब क्लोज करना है, एक दो और ये तीन, तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब यहां से इसको कंपाइल करते हैं हम, तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रन करवाना है, तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जीरो टू सिक्स तक ये प्रिंट होकर आ रहा है। अगर हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं, जैसे इसके कोड में थोड़ी चेंजिंग करते हैं, जैसे यहां जीरो से स्टार्ट किया है हमने, अगर मैं इसको फाइव से स्टार्ट करूं और सेवन तक चलाऊं तो क्या होगा, आइए देखते हैं, कंपाइल करते हैं। यानी कि फाइव सिक्स सेवन तीन ही नंबर प्रिंट होकर आएंगे, ठीक है? तो यहां पे देख सकते हैं आप फाइव और चूंकि लेस देन है तो फाइव और सिक्स प्रिंट होकर आ रहा है, चूंकि लेस देन किया है मैंने, सेवन तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहां पे हमने कोड में क्या दिया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार, कोड दिखाता हूं, चूंकि मैंने लेस देन दिया हुआ है यहां पे, देखिए लेस देन का साइन है, ठीक है? अगर लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो यहां पे सेवन भी प्रिंट होकर आपको, अब रन करवाएंगे यहां से, ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं फाइव सिक्स सेवन तीनों प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये खासियत है फॉर लूप की। थोड़ा सा इसमें और भी चेंजिंग करके देखते हैं, यहाँ से ओपन एडिटर पे जाएंगे और यहां से अब देखिए ये फाइव से स्टार्ट किया हुआ है और सेवन तक ले जा रहे हैं हम, अगर इसको हम टेन तक ले जाएंगे, ठीक है? और यहां से मैं इक्वल टू का साइन हटा रहा हूं, ठीक है? यानी क्या क्या प्रिंट होगा, फाइव प्रिंट होगा, सिक्स प्रिंट होगा, सेवन प्रिंट होगा, एट प्रिंट होगा, नाइन प्रिंट होगा, लेकिन टेन नहीं प्रिंट होगा, ठीक है?
आइए एक बार करके देख लेते हैं। इसको कंपाइल करवा दिया हमने और अब इसको यहां से रन भी करवा देते हैं राइट क्लिक करके, और यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो यहां से देखिए 9 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो रहा है ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर लूप वाली वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो फॉर लूप से रिलेटेड जल्दी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।